कक्षा 9वीं कृष्ण फैली आपके यहाँ पर गणित का यानी मैथमेटिक्स पेपर लिखे आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट थे कि गणित का पेपर लाओ फैली, आपके यहाँ पर गणित पे आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर जो रहता कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 मैथमेटिक्स, और ठीक है आपका गणित विषय का पेपर हिंदी इंग्लिश भजन दोनों में आपका पेपर रहेगा। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर पेपर कराया जाएगा, ठीक है। संपूर्ण सोल्यूशन सहित हम कराएंगे पेपर, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे और जो मार्क्स रहेगा वो 75 रहने वाला, टोटल पेज आपके 9 रहने वाले हैं और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा निर्देश आता है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल 30 अंक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फाइनली आपका जो पेपर है वो हम लेके आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मस्त से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प का चयन करके लिखिए, आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पढ़ते हैं एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, तो इसका आंसर आपका 12 है, अपरिमेय संख्या। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता बहुपद 4x = 4 प्लस, ठीक है, 0x = 3 प्लस 0x = 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो जो आपका यहाँ बहुपद दिया गया है तो इसमें बताना कि आपकी कौन सी यहाँ पर घात रहेगी। तो आपको इसमें देखना है सबसे अधिक घात कौन सी है। सबसे अधिक घात जो है अब वो आपकी 5 है, लेकिन इसमें यहाँ पर 0 लगा हुआ है, तो 5 आपकी मान्य नहीं रहेगी। इसलिए आपके यहाँ पर 4x = 4 यानी 4 आपसे जो आपकी 4 है वो सबसे अधिक घात हो जाएगी, तो आपका इसका 4 आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर आपका द रहेगा, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तीसरे का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा, चतुर्थ चतुर्थांश। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा, जिसमें आप यहाँ पर देते हैं y = 3x का, ठीक है, सॉरी y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है और बता केवल 2 हल हैं। फिर साथ अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और दाता कोई हल नहीं है, तो इसका आंसर आपका सर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर आपका पांचवा आता है सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होता है बहुलक, तो बहुलक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पाँचवें का। और फिर आपका यहाँ पर छठा आता किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है, यहाँ पर किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट के लिए देख लीजिए, पहले का आपका बी ग्रेड आंसर का, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तो दूसरे करेगा आपका यहाँ पर ए ग्रेड आंसर, फिर तीसरे करेगा आपका यहाँ पर डी ग्रेड आंसर, और चौथे का आपका सी ग्रेड आंसर रहेगा, और पाँचवें का आपका यहाँ पर डी ग्रेड आंसर रहेगा, और छठवें करेगा आपका यहाँ बी ग्रेड आंसर, ठीक है। हमने यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया। फिर आता आपके यहाँ पर इतना ही पूर्ति कर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, अनावसानी तथा अनावर्ती होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर रहेगा आपका अनावसानी तथा अनावर्ती, ये आपका यहाँ पहले रेखा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात दोनों होती है, तो यहाँ पर रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक दोनों होते हैं, तो यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, ठीक है, 0, 0 आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा, ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा 0, 0। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है समीकरण x = a का आलेख वाई अक्ष के दोनों एक सरल रेखा होता है, तो समीकरण x = a का आलेख वाई अक्ष के, ठीक है, समांतर वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो समांतर रहेगा आपका चौथे का आंसर, ठीक है, चौथे का आंसर आपका हो जाएगा समांतर। फिर आपका पांचवा आता है, तो पांचवा आप यहाँ पर त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण डॉट डॉट होते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर आपका यहाँ पर रहेगा पांचवी का आंसर, पांचवी का आंसर आपका रहेगा बराबर। फिर आपका यहाँ पर छठा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीव वृत्त का डोनो होता है, तो यहाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीव वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, व्यास आपका रहेगा 6वें का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपके यहाँ पर डिक्टेशन कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका अनावसानी तथा अनावर्ती, दूसरे का आंसर आपका 1 और तीसरे का आंसर आपका 0, 0, चौथे का आंसर आपका समांतर और पाँचवें का आंसर आपका बराबर और छठवें का आंसर आपका व्यास, ठीक है, आपका यहाँ पर डिक्टेशन का सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लिए, पहला आपके यहाँ पर आता रिक्त स्थान, ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है, और तीसरा आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। फिर आपके आते हैं सही यूडी बना के लिखी, 6 नंबर की आती हैं, तो स्तंभ आवा में दी गई हैं, ठीक है। पहले आती है आयत है एक, तो इसका आंसर रहेगा चतुर्भुज, ठीक है, आयत जो आपका रहेगा आयत है एक, तो चतुर्भुज से मैच करना है। फिर आपकी दूसरी आती है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो यहाँ पर वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है आपका यहाँ पर 0 और 3।
फिर आपका आता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाटी में दो, तो इसको आपको मैच करना बर्गर चिन्ह से, ठीक है। फिर चौथी आती ठोस आकृति का उदाहरण, तो यहाँ पर ठोस आकृति का उदाहरण हो जाएगा आपका बेलन। फिर आपका पाँचवीं आती एक ए भुजा वाले संभाव त्रिभुज क्षेत्रफल, तो इसको आपको अंडर रूट तीन बटे में चार इंटू ए स्क्वायर से मैच करना है। फिर छवीं आती समीकरण चार एक्स प्लस तीन वाई बराबर 12 का एक हल है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 04। तो इस तरह से जो आपकी सही हुई वो आपकी मैच हो जाती है। साथ ही हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही हुई मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब आते हैं आपके प्रश्न चार, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ये छः नंबर के आते हैं, तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत होता है शांत या अशांत आवर्ती, ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती होता है। फिर दूसरा आता है एक घात वाली बहुपद को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एक घात वाली बहुपद को कहते हैं रेखीय बहुपद, ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं। तो जो आपका पहले का आंसर है वो आपका रहेगा शांत या अशांत आवर्ती, दूसरे का आंसर का रेखीय बहुपद। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर 12 में कितने चर हैं, तो जो आपके यहाँ पर चल रहा था आपके यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी डी अक्षर में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पर इसमें एक्स और वाई है जो कि आपके ए बी सी डी के अक्षर हैं, तो इसमें आपके दो चर हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा दो रहेगा, तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर दो हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्यक क्या होगा, तो इसका आपको माध्यक निकालना है, तो इसका माध्यक रहेगा आपका 5, 5 आपका यहाँ पर आंसर रहेगा चौथे का आंसर आपका 5 हो जाएगा। फिर आपको जो यहाँ पर आता है पाँचवा त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोइन का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोइन का सूत्र लिखना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी, इस तरह से आपके यहाँ पर ये आपके हीरोइन का सूत्र हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आता है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यूनकोण हो सकते हैं, तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में कम से कम दो, ठीक है, दो न्यूनकोण हो सकते हैं, तो आपका यहाँ पर छवें का आंसर है दो न्यूनकोण, ठीक है, आप देख लीजिए ये आपका यहाँ पर एक शब्द सोल्यूशन, पहले का आंसर शांत या शांत आवर्ती, दूसरे का आंसर आपका देखिए बबल, तीसरे का आंसर आपका दो और चौथे का आंसर आपका पाँच और, ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए छवें का आंसर आपका दो न्यूनकोण, तो आप इसके आंसर ले लीजिए, आपका इस शब्द सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, अब आते हैं आपके सतका चरण करके लिखिए छः नंबर के आते हैं, तो पहला आता है एक्स बराबर 0 वाई अच्छे का समीकरण है, तो पहला आपका यहाँ पर 70 रहेगा। फिर दूसरा आता है रेडियो कोण की माप 360 डिग्री होती है, दूसरा आपका 70 रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो तीसरा 70 रहेगा। फिर चौथा आपका आता है मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं, तो चौथा आपका 70 रहेगा। और पाँचवा आता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो पाँचवा आपका 70 रहेगा, ठीक है। और जो छवां तक सॉरी जो पाँचवा सॉरी जो आपके यहाँ पर आता है चौथा, तो ये तो चौथा तो आपका 70 है, और जो पाँचवा है पाँचवा आपका 70 रहने वाला है, और छवां तक व्रत की सबसे बड़ी जीवित त्रिज्या कहलाती है, तो छवां आपका 70 है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 70 हो जाते हैं कंप्लीट। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर आता है दूसरे स्थान, ठीक है, यानी दूसरा आपका यहाँ पर आता है 70, और फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है चौथा पाँचवा छवां, ठीक है, तो आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 6, तो जल्दी से इनके स्क्रीन से ले लीजिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले, ठीक है। आपका छवां क्वेश्चन आता है सातवां, फिर आपका यहाँ पर आठवां क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्क्रीन शॉट आप ले जाइए। फिर नौवां क्वेश्चन आता है, दसवां क्वेश्चन जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर ग्यारहवां क्वेश्चन आता है, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर बारहवां क्वेश्चन आता है, और तेरहवें क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चौदहवें क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पंद्रहवां क्वेश्चन आता है, आर एच एस सर्वान सख्त नियम को लिखिए, ठीक है, जल्दी से इनके स्क्रीन शॉट आपको ले चलना। फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर सुरमा था, यदि एक समानता चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दरअसल एक वाई आयत है, तो जल्दी से इनके स्क्रीन शॉट आपको ले लेना, पूरी जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जल्दी से फटाक से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले चलिए, ठीक है। आपका 18वां क्वेश्चन आता, 19वां क्वेश्चन आता, उससे गोली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका अथवा तो गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 21वां क्वेश्चन आता है, 22वां क्वेश्चन आता है, और 23वां, तो इस तरह से पूरा पेपर हमने करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है, और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।